इस संस्कृति में हमने नदियों को पानी के भंडार की तरह नहीं देखा है, हमने उन्हें जीवन देने वाली देवियों के रूप में देखा है। क्योंकि जिसे हम पानी कहते हैं, जिसे हम हवा कहते हैं, जिसे हम भोजन कहते हैं, जिसे हम धरती कहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, ये सब वस्तुएं नहीं हैं, ये जीवन का निर्माण करने वाली सामग्री है। इस संस्कृति में हमने कभी कहीं और मौजूद अनजान भगवानों की पूजा नहीं की। भारत में कभी कोई ऊपर बैठा एक सबसे बड़ा भगवान नहीं रहा। सारे देवता जिनकी हम पूजा करते हैं वो ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी इस धरती पर चल फिर चुके हैं। चाहे आप शिव या राम या कृष्ण या जिसे भी लें, वो सभी इस धरती पर चले हैं। उन्होंने भी सभी कष्ट और परेशानियां सही हैं जो हर इंसान सहता है और उससे भी कहीं ज्यादा। जिसे आप महाभारत के रूप में जानते हैं वो शुरू से आखिर तक जबरदस्त उथल पुथल थी। हर तरह की चीजें हुई और अंत में एक भयानक और विनाशकारी युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी एक इंसान इस सबसे अछूता रहा। हर चीज में सक्रिय रूप से शामिल लेकिन अछूता। तो इस गुण के कारण हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी कामयाबी के कारण नहीं, किसी चमत्कारी शक्ति के कारण नहीं। उन सब ने सामान्य तौर पर अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था, कोई भी आकाश से नहीं उतरा, और वो हमारी तरह इस धरती पर चले फिरे। वे हर उस चीज से गुजरे जिससे हम सब गुजरते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो अछूते रहे। कई तरह से एक नदी इसी बात को दर्शाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के लोग उसे छूते हैं, बहते रहने की अपनी प्रकृति की वजह से ये शुद्ध रहती है और हमेशा बरकरार रहती है। तो हमने नदियों को कभी पानी के भंडार की तरह नहीं देखा या एक भौगोलिक घटना की तरह नहीं देखा। हमने हमेशा उन्हें अपने जीवन के लिए जीवनदायी मूल तत्व के रूप में देखा है, क्योंकि हमारे शरीर का 72% से ज्यादा हिस्सा पानी है। इस ग्रह का ही 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। तो इस संदर्भ में मानव जीवन के उत्थान या रूपांतरण के बुनियादी विज्ञान को भूत शुद्धि कहते हैं, यानी पांचों तत्वों की शुद्धि। This is a miraculous process in the sense. ये एक चमत्कारी प्रक्रिया है, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, हर जगह जीवन के अलग अलग रूप, ये सब कुछ सिर्फ पांच तत्वों से बना है। 5 करोड़ से नहीं, सिर्फ 5 से। और कितने जादुई तरीके से ये 5 तत्व करोड़ों तरीकों से एक दूसरे से मिले हैं, और हर रूप दूसरे की तुलना में पूरी तरह से अनोखा है, और वो सभी सिर्फ 5 तत्वों से ही बने हैं। तो अगर कोई अपनी भौतिक प्रकृति से ऊपर उठना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए सबसे बुनियादी और सबसे कारगर तरीका है कि वो भूत शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरे। पूरा योग विज्ञान इस भूत शुद्धि की प्रक्रिया से ही निकला है, यानी अपने 5 तत्वों के साथ काम करना। अगर आप अपने तत्वों को नियंत्रण में ले लेते हैं तो हर चीज आपके दायरे में होती है, हर चीज आपके काबू में होती है। जो इंसान 5 तत्वों पर महारत हासिल कर लेता है उसे ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। जल सबसे अहम है, क्योंकि 72% जल है। अगर हम इस शरीर में जल को शुद्ध और अच्छा रखते हैं तो सेहत और खुशहाली का ख्याल अपने आप हो जाता है।